हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्ट्रीट फूड जायका में आपका स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? तो बताओ मैं आज क्या बनाने वाले हैं? आज बनाने वाले हम रज्जब स्पेशल मीठी टिकिया और खीर। तो कौन सी टिकिया? तुम बोल रहे थे ना कुछ अलग टिकिया बना रहे हैं। हाँ, तो मैंने इससे पहले चैनल पे बना के डाली हूँ मैदे के आटे की और रवे की मीठी टिकिया। आज मैं बनाने वाली हूँ सिर्फ गेहूं के आटे की मीठी टिकिया। तो अभी चल रहा है रज्जब का महीना। हाँ। रज्जब के महीने में बहुत से लोग नियाज करते हैं, जिसे हाँ। कहते हैं कुंडे की नियाज। और उस टाइम पे बनती है खीर और पूरी। हाँ। जिसमें से बहुत से लोग ये टिकिया भी बनाते हैं। हाँ। बहुत से लोग भाई नियाज नहीं करते तो वो लोग अपने नाश्ते के तौर पे ही बना के खा सकते हैं। आराम से महीना भर स्टोर भी कर सकते हैं। टिकिया को नियाज का ही नाम दे दे, ऐसा नहीं है। आप अपने सुबह के नाश्ते में, चाय के नाश्ते में, चाय के साथ खा सकते हो, है ना। तो क्या बना रहे? पूरी यानी खीर और टिकिया। टिकिया और ये टिकिया पूरा एक महीना आप स्टोर भी करके खा सकते हैं। हाँ, तो चलो। और हमने रज्जब की करंजी आती है वो अभी भी पूरा वीडियो बाकी है, बताते रहना क्या क्या वीडियो तुमने बना के डाले। अच्छा, तो ठीक है, चलो बता दो क्या क्या हमने बना के डाले। हाँ, मैंने ना करंजी डाली थी और सादी पूरी डाली थी और तीन चार किस्म की खीर भी डाली थी और मैंने मैदे के आटे की टिकिया भी डाली थी। ये रज्जब स्पेशल की इतनी सब चीजें मैंने डाली। यानी कि हमारे चैनल पे काफी रेसिपीज ये खीर पूरी की है, आप लोग सर्च करके देख लेना, आपको मिल जाएगी। ठीक है। हाँ। तो चलो फिर नजर मारते हैं इंग्रेडिएंट्स पे, क्या जम्मी टिकिया खीर और टिकिया बनाने के लिए क्या क्या लेंगे। चलो, तो सबसे पहले यहाँ पे लेंगे हम भैंस का दूध, गेहूं का आटा, बासमती चावल, सफेद तिल, दो वाटी शक्कर, चार से पांच हम लेंगे बारीक मीठे वाले टोस्ट, बादाम, काजू, पिस्ता, देसी घी, इलायची पाउडर। तो चलो शुरू करते हैं बिस्मिल्लाह करके। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टिकिए के लिए आटा गूंद लेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक बाउल ले ली हूँ। अब हम क्या करेंगे, इसमें पहले डालेंगे घी। तो यहाँ पर मैंने पिघला हुआ घी ली हूँ, जो कि मैं पहले चार चम्मच ले लेती हूँ। यानी कि पाव वाटी लेना आपको, कि पाव वाटी से थोड़ा सा एक चम्मच ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ले ली हूँ चार चम्मच। और यहाँ पे हमने आधी वाटी कुनकुना दूध ले लिए है, ये भी डाल देंगे हम इसमें, है ना। अब क्या करेंगे हम, इसी के अंदर ऐड कर देंगे हम यहाँ जो आधी वाटी पिसी हुई शक्कर लिए है। यहाँ पे शक्कर आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, इसको मैं अच्छे से पिघाल लूंगी, शक्कर को पूरा घोल लूंगी। तो यहाँ पे शक्कर अच्छे से मैंने घोल ली हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने दूध ली हूँ, आप लोग पानी भी ले सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे मैं कम बना रही हूँ इसके लिए मैंने दूध ली हूँ। अगर आप ज़्यादा बना रहे स्टोर करने के लिए तो पानी ही ऐड करना। यहाँ पे मैं आधा चम्मच इलायची पाउडर ले रही हूँ खुशबू के लिए, और एक चुटकी भर नमक भी ऐड करेंगे हम। मीठी चीज में चुटकी भर नमक डालने से उसका टेस्ट अच्छे से निखर के आता है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं डाल रही हूँ दो चम्मच भर के सफेद तिल। ये तिल बहुत अच्छी लगती है टिकिया में, जब मुंह में आती है। इसमें आप चाहे तो खसखस भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको अच्छे से मिक्स कर ली हूँ। अब हम डालेंगे इसमें आटा। ये आटा हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, और आटा हमको एकदम सख्त गूंदना है, नरम नरम नहीं गूंदना है। ठीक है ना, कितना ग्राम था ये आटा? ये पाव किलो आटा होगा दो वाटी मिला के। आप एक वाटी के मेजरमेंट के हिसाब से ले लेंगे तो आपको पूरा मेजरमेंट मेरे हिसाब से मिल जाएगा। चार चम्मच घी, एक वाटी आटे में दो चम्मच घी, और दो वाटी आटे में चार चम्मच घी। और तिल तो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, शक्कर वगैरह भी देखो अपने हिसाब से मीठा कम ज़्यादा कर सकते हैं, है ना। और क्या डालना है इसमें, चुटकी भर नमक डालना है। तो यहाँ पर मैंने आटा पूरा अच्छे से गूंद ली हूँ। यहाँ पे मैंने आधी वाटी दूध और ऐड करी हूँ। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, यहाँ डालेंगे एक चम्मच घी और इसको अच्छे से मसल के छोड़ देंगे एक आधे पौने घंटे के लिए। ये तो एकदम पत्थर के जैसा कड़क गया मेरे। हाँ, तो अभी ये सेट हो जाएगा ना, अभी हम इसको ढक के रखेंगे, थोड़ा सा सेट हो जाएगा। और अगर ये ज़्यादा कड़क हो रहा है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा कड़क है हम नहीं बेल सकते हैं, तो आप दो तीन चम्मच इसमें दूध या पानी और मिला सकते हैं। ठीक है,
अब मैं इसको ढक के रख दे रही हूँ जब तक हम अपनी खीर बना लेंगे। तो आटा हमने रख दिए रेस्ट करने के लिए और खीर के लिए एक टोप चढ़ा दिए है हमने। अब क्या करेंगे, इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी। ये इतना पानी डालने की वजह ये है कि हमारा जो खीर बनेगा ना वो नीचे जले नहीं और थोड़ा ज्यादा बन जाएगा। देखिए आप लोग, 3-4 चम्मच ज्यादा बन जाए। तो यहाँ पे अभी हम क्या करने वाले हैं, दूध को अच्छा बॉयल आने तक पकने देंगे पहले। तो यहाँ पे दूध में अभी तक उबाल नहीं है आया। यहाँ पे दूध में उबाल आए तक हम क्या करेंगे, ये जो हमने टोस्ट लिए है ना, ये बारीक बारीक, इसको बहुत लोग है ना बहुत अलग अलग नाम से बोलते हैं, लेकिन देखो मैं भी और मेरे बच्चे भी, हम बचपन से यही टोस्ट ही बोलते हैं। तो अब हम इसको डालेंगे यहाँ पे मिक्सर में, इसको पीस लेंगे अच्छे से। ये बहुत मज़े के मीठे मीठे टोस्ट है। यहाँ पे मैंने 4 से 5 टोस्ट लिए, ये छोटे है करके। अगर आप वो पैकेट वाले बड़े टोस्ट ले रहे हैं तो आप 3 ही टोस्ट लीजिए, ठीक है, 1 लीटर दूध के लिए। और यहाँ पे मैंने एक मुट्ठी, यानी कि ऐसा एक मुट्ठी भर के चावल लेके इसको पानी में भिगने रखी थी। ये 1 से 2 घंटा आप रख दें। और इसको हम लोग बोलते हैं बासमती चावल। हाँ, ये बासमती चावल से क्या होता है ना, इसमें स्टार्च ज्यादा होता है। मैं बिरयानी बनाने के टाइम पे भी आपको बोलती, देखो इसमें चिकनापन ज्यादा होता है, चिकनाहट ज्यादा होता है। तो ये पकते पकते हमारी खीर अच्छी गाढ़ी भी करता है, खुशबूदार भी करता है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा डालेंगे पानी और इसको पीस लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने चावलों को और टोस्ट को अच्छे से पानी डाल के पीस लिए है। और यहाँ पे हमारा ये जो दूध है ये भी बॉयल हो गया है। अब क्या करेंगे, हम इसमें डालेंगे ये चावल और टोस्ट का मिश्रण, ताकि शक्कर डालने से पहले ये हमारे जो चावल है ये अच्छे से पक जाए, ठीक है। पहले शक्कर डाल देंगे तो हमारे चावल जो है वो जल्दी नहीं पकेंगे। इसके लिए कभी भी शक्कर या मिल्क मेड इस्तेमाल करने से पहले जिस चीज़ की भी आप खीर बना रहे हैं वो चीज़ पहले ऐड कर देना, ताकि वो पक जाए, क्योंकि शक्कर की वजह से वो नहीं पकता है। अब इसको मैं अच्छे से 10 मिनट पकने दूंगी। तो यहाँ पे 10 से 15 मिनट मैंने इसको अच्छे से पका ली हूँ। देख रहे आप लोग, गाढ़ी हो गई है मेरी खीर, मेरे चावल अच्छे से पक गए हैं। इसमें हमने टोस्ट भी पीस के डाले थे, दोनों अच्छे से पक गए हैं। माशाल्लाह अच्छी हमारी खीर गाढ़ी हो गई है। अब हम इसमें ऐड करेंगे शक्कर। इसके बाद ये अभी फिर थोड़ी थोड़ी पतली हो जाएगी शक्कर डालते साथ। यहाँ पे शक्कर या मिल्क में जो डालना है आप डाल सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। यहाँ पे हम इलायची पाउडर भी डाल रहे हैं 1/2 चम्मच, ठीक है। अब इसको मैं और थोड़ा सा पका लूँगी ताकि हमारी शक्कर भी अच्छे से पक जाए। और हाँ, ये जो है ना टोस्ट की जो खीर बना रहे हैं आप लोग, इसके लिए अच्छे से एक मोटे तले का बर्तन ज़रूर ले लेना और कंटिन्यू इसको चलाते रहना, क्योंकि जो टोस्ट हम पीस के डालते हैं वो जाके नीचे लगता है, नीचे बैठता है। इसके लिए मैंने पानी भी ऐड करी थी इसमें, ठीक है। तो इसके लिए बोल रही मोटे तले का बर्तन जरूरियात से लेना। तो यहाँ पर मैंने शक्कर डाल के इसको अच्छे से 5 मिनट तक पकाई हूँ। यहाँ पे हमारी शक्कर भी पक गई है, हमारी खीर भी अच्छी मस्त गाढ़ी गाढ़ी बन गई है। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे गैस हम हमारी करेंगे स्लो। और यहाँ पे हमने एक छोटा सा फ्राई पैन चढ़ा दिए है, इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा घी। ड्राई फ्रूट आप इसी तरीके से आपको डालना है तो डाल सकते हैं, बिना फ्राई करे, अगर फ्राई करके डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। आप किसी भी तरीके से डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने ले ली हूँ थोड़ा सा काजू, थोड़े से बादाम, मुझे ड्राई फ्रूट ज़्यादा डालने की आदत है, ठीक है। आप लोग जितना चाहे उतना डाल सकते हैं, अगर नहीं भी डालना चाहे तो ना भी डालें तो भी चलेगा, ठीक है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा हल्का सा ही करूँगी, ज़्यादा देर तक नहीं, बस 10 सेकेंड। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से फ्राई कर ली हूँ ड्राई फ्रूट को। अब हम इसमें डाल देंगे ड्राई फ्रूट। और यहाँ पे हम अभी गैस कर रहे हैं बंद। यहाँ पे हमारी खीर हो गई है रेडी, ठीक है। अब हम टिकिया बना लेंगे। तो खीर रेडी हो गई है, अब आती है टिकिया की बारी। तो यहाँ पे हमने आटा रख दिए थे गूंद के। टिकिया बोलते हैं, टिक्की बोलते हैं, टिकिया बोलो, टिक्की बोलो, जो बोलना है वो बोलो, है ना। सबकी अपनी अपनी तरीका होता है बोलने का। अगर ये आटा आपका ज़्यादा सख्त हो गया है तो आप 2 चम्मच दूध डाल के इसको अच्छे से मसल लेना,
ठीक है, यहाँ मेरा आटा सही है। मैं इसको पहले दो पेड़े बना लूंगी। आ रही तो आ रही, नहीं नहीं आ रही नहीं। अच्छा सख्त है करके बोल रहा ना, ये ना टिकिया का आटा जो होता है वो सख्त ही होता है। ठीक है, क्यों फेंक के वाले कहता सारी फोड़ जाएगा। देखो क्या क्या बोल रहा है वो, बेकार है ये। अब हम इसको बेल लेंगे और बना लेंगे आटे के कबाब। आटे के टिकिया। अब ये मोटा पतला अपने हिसाब से आप लोग रख लेना, जितना मोटा अगर आपको चाहिए, जितना पतला आपको चाहिए, ठीक है, वो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे तो मोटे मोटे ही चाहिए, तो काफी मोटा है ये, है ना, थोड़ा सा बेल लेती हूँ। तो बस मैं इतना मोटा रखना चाहती हूँ, आप लोग पतला मोटा अपने हिसाब से रख लेना। और मैं यहाँ पर इससे कट करने वाली हूँ, आपके पास कुकी कटर है तो उससे कट कर लेना, नहीं तो कोई धार वाली वाटी होगी उससे कर लेना, या गिलास होगा तो उससे कर लेना, जो भी धार वाली चीज़ रहेगी उससे आप कट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ मुझे ये साइज का अच्छा लगा तो मैंने ये साइज का ले ली। अगर आपको बड़े साइज का चाहिए तो आप बड़ी बड़ी वाटियों से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से छोटी वाटी से करी हूँ ताकि मुझे छोटी छोटी टिकिया मिल जाए। तो यहाँ पे ये रही इसकी थिकनेस, है ना। तो मैं इसको क्या करती हूँ, पहले साइड में रख लेती हूँ और जल्दी जल्दी मैं सारे आटे के वापस करूँगी। ये जो आटा साइड से हमने उठाए हैं ये बेकार नहीं होने वाला है, ठीक है ना। ये जो आटा है इसका हम वापस से टिकिया बनाने वाले हैं, जो हमने साइड से आटा उठाया ना ये वेस्ट नहीं होगा, इसको फिर बेलेंगे और फिर इसकी टिकिया बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने बेल के अच्छे से टिकिया कट कर ली हूँ, ये अच्छे से आपको बता दूँ इतनी मोटी बनाई हूँ। और यहाँ पे मैंने तेल भी रख दी थी गरम होने के लिए, जो कि गरम हो चुका है। हमको एकदम तेज गरम नहीं चाहिए तेल, मीडियम कुनकुना ही तेल चाहिए ये टिकिया फ्राई करने के लिए, तो ही ये कुरकुरी होंगी। एकदम फास्ट पे नहीं डाल देना, ठीक है। बिस्मिल्लाह, यहाँ देख रहे आप बुलबुले आना चालू हो गए, ये इतना ही तेल हमको गरम चाहिए, ठीक है ना, ज़्यादा गरम नहीं चाहिए। तो यहाँ पर मेरी कढ़ाई में जितना आएगा मैं उतना डाल दूंगी एक साथ, ताकि ये फ्राई करने में मुझे इजी पड़े, क्योंकि ये फ्राई होने में टाइम ज़्यादा लेते हैं, पूरे 10 मिनट, 8 मिनट, 12 मिनट, आपके बर्तन के ऊपर डिपेंड करता है आपका बर्तन कितना मोटा पतला है, ठीक है। तो इसके लिए मैं सब एक ही साथ डालूंगी ताकि ये सब एक साथ अच्छे से फ्राई हो जाए। और एकदम मीडियम से स्लो आंच पे इसको फ्राई करना, तेज आंच पे बिल्कुल नहीं करना, अंदर से कच्चे रह जाएंगे ऊपर से काले काले हो जाएंगे। इसके लिए अभी ये अपने आप ही धीरे 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 करके ऊपर आ जाएंगे, ठीक है, जब तक हमको इसको अभी बिल्कुल भी टच नहीं करना है। तो यहाँ पर 5 मिनट लगा है इसको पूरा ऊपर आने के लिए मीडियम फ्लेम पे, ठीक है। अब करेंगे हम इसको पलटी, एकदम हल्के हाथ से इसको पलटी करना, ठीक है ना, इस तरीके से। सबसे पहले मैं बीच वालों को अच्छे से पलटी कर लेती हूँ, ठीक है ना, ये इसी तरीके से मैं अभी सब पलटी कर लेती हूँ। तो यहाँ पे अच्छे से फ्राई हो गई है मेरी टिकिया, देख रहे हैं आप लोग, इसको कम से कम 10 से 12 मिनट पूरे लगे हैं धीमी आंच पे, इसको फास्ट आंच पे बिल्कुल भी फ्राई नहीं करी हूँ मैंने, आप भी इसी तरीके से करना, ठीक है। और इसको पहली बार जब अंदर हम पलटी करेंगे उसके लिए तो बिल्कुल भी घाई नहीं करना, क्योंकि वो टूट जाते हैं, ठीक है ना। और ये अभी थोड़े से नरम रहेंगे, ये जैसे जैसे ठंडे होते जाएंगे वैसे वैसे क्रिस्पी होते जाएंगे,
ठीक है। निकालने के टाइम पे ये नहीं सोचना कि ये अभी तक नरम है, ये ठंडे होने के बाद क्रिस्पी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने निकाल ली हूँ टिकिया, यहाँ पर मेरी गेहूं के आटे की टिकिया रेडी हो गई है, इसको अभी ठंडा होने के बाद बताती हूँ आप लोगों को। तो दोस्तों तैयार हो गए अपना रज्जब वाली खीर और टिक्की। हाँ, टिकिया टिक्की टिक्की बोलो, तो क्या बोलते हैं आप लोग बताओ, मैंने ध्यान से निकल गया। हाँ, लेकिन देख रहे हैं मैंने क्या मस्त गेहूं की बनाया ना मम्मी। हाँ, गेहूं के आटे की, गेहूं जिससे हम रोटी बनाते हैं ना डेली बेसिस पे, वही बनाई, वो भी बिना रवे के। चलो भी साफ करो फटाफट, है ना, ये सब चीजें ना बर्दाश्त नहीं होती मुझसे, फटाफट आने दो आने दो आने दो। इतनी सारी बनी है माशाल्लाह, देख रहे हो लास्ट टाइम अपन मैदे की बनाए थे ना मम्मी, और खीर भी देखो, खीर में हम डोज डाले तो समझ के फाड़ता मैंने। देखो ये ना देख वाले डालते हैं, जैसा होटल में या शादियों में जो बनते हैं ना, एड़ा बनाओ मतलब, तो उन लोग है ना बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बनाते हैं ना, तो ये बनती है बहुत जगह पे, तो ये बहुत फेवरेट है, बनाते हैं लोग। ये तुम्हारी खाते है कबाब आटे के कबाब आटे के कबाब नहीं, ये बहुत अच्छे से बनते हैं, पूरा अंदर घी में लथपथ है, ये तो मस्त क्रंची भी बनते हैं। लेकिन हमें पहले ना सूखी खाते हैं, के बाद ना खीर में डुबा के खाते हैं। उसको तो ये तो इसको खीर में डुबा के खाने की जरूरत नहीं है, मीठी भी है क्रंची भी है क्रिस्पी क्रिस्पी। हाँ, और तो बोलो तो ना ये खीर से ज्यादा ना चाय के साथ अच्छी लगती है, इसको आप स्टोर कर सकते हैं एक नंबर, एक डेढ़ महीना फिर आप खाते हैं खीर के साथ। देखो भाई रज्जब में बहुत से लोग पातिया करते, तो भाई ये ना जरूर बनाना अगर बनाएंगे तो। ओहो, जिसके दांत में दर्द है ना वो भी खा लेंगे, और दर्द पड़ेगा नहीं, मीठा है क्यों बोला, अच्छा मीठे के लिए चबाना नहीं पड़ेगा इतना। वाह मस्त लग रहा है एकदम, फिर क्या बनी है उसका मोट थिकनेस भी मैंने ज्यादा रखी हूँ, क्रंची भी बहुत मस्त बना है, एकदम खस्ता खस्ता बोल सकते ना, खस्ता वाली पूरी है, खस्ता अलग होता है कड़क अलग होता है ना, ये खस्ता है ना मम्मी, नहीं नहीं बस बस बहुत ज्यादा मीठा हो जाएगा फिर। एक नंबर बना है बोल तो, वो आजकल ऐसी मोटी मोटी और इतनी मस्त वाली टिक्की भी नहीं मिलती है, अपन खाने जाते हैं तो कुंडे की नहीं आते, कुंडे की नहीं आते, पतली पतली मिलती है। होटल वाले भी अभी जो टिकिया बना के पहले बेचते थे उन लोग ने भी एकदम पतली पतली कर दिए, थोड़ी सी चौड़ी कर दिए और पतली कर दिए थे, जबकि ये ना मोटी मोटी खाने में मजा आती है, एकदम क्रंची क्रंची बनी है मस्त, बहुत मजे की बनी है, आप लोग खुद बना के खाएंगे ना तब बोलेंगे, ठीक है। मैदे की टिकिया तो बहुत लोग बनाते भी है खाते भी है, लेकिन आज मैंने गेहूं के आटे की बनाई हूँ, मजा अलग है, तो गेहूं के आटे की बना के खाना, वो भी इसमें ना मैंने रवा डाली हूँ क्रंची करने के लिए, कुछ भी नहीं, सिर्फ गेहूं का आटा और घी और शक्कर, है ना। तो आप लोग ये कब बना रहे हैं, अभी तो सीजन चल ही रहा है, बहुत से लोग अभी ये वीडियो देखते देखते भी बहुत से लोग रोटी वोटी बेल रहे हो गए ना, हमारी भी टिकिया बनाओ खीर बनाओ। मैंने देखो बहुत सारे करंजी बहुत लोगों को पसंद है, ज्यादातर हमारे कुंडे के अंदर नियाजों में करंजी ही बनती है, तो करंजी का भी वीडियो जरूर देखना मेरा, मैंने डाली थी पिछले साल करंजी और खीर की रेसिपी, सादी पूरी भी डाली हूँ, ये टिकिया भी डाली हूँ मैदे के आटे की, अब मैंने बचा था गेहूं के आटे की वो भी डाल दी हूँ। बोलो मजा आ गया ना। और ये जो टोस्ट की जो बात कर रहे हैं, ये टोस्ट देख वाले, ये भी इतने वाले हमारे टाइम पे इतने बड़े बड़े आते थे। हाँ ये मीठे होते हैं टोस्ट जो छोटे छोटे होते हैं, तो जैसा चौड़े टोस्ट अगर आप डाल रहे हो तो दो से तीन ही डालना, वो बड़े होते हैं, ये छोटे छोटे थे बोल के मैंने चार से पांच डाली हूँ, आप अगर ज्यादा टोस्ट डाल देंगे तो ये खीर में पूरा टोस्ट का ही स्मेल आ जाएगा, इसके लिए टोस्ट है ना बहुत गिन के मेजरमेंट से डालना, ठीक है, सिर्फ वो एक थिकनेस बढ़ाने के लिए होता है। चना का है, चना रज्जब में ना ये भी बनता है, खट्टे आलू तीखे तीखे चटपटे चने ये सब भी बनते हैं, है ना, तो वो चने मांगरे में बताओ। हाँ तो ये जो मीठा खा के जी मचलाता है ना, बहुत से लोगों को मीठा नहीं चलता है, तो वो मीठा खाने के बाद जी मचलता है, कभी कभी क्या होता है ना एक ही दिन में चार से पांच जगह हो जाती है रावण न्याज, तो ऐसा जाना पड़ता है यहाँ के वहाँ, अभी तो हर जगह मीठा खा खा के ना इंसान पागल हो जाता है,
नींद आना चालू है तो बहुत से लोग दिल बड़ा रखते हैं, बहुत से लोग दिल बड़ा रखते हैं। अम्मी मेरे को पहले बताओ चना था, मैं ना थोड़ी सी किया, थोड़ी सी पूरी खाता हुआ है, चना खाता था अपने, फिर मैं चना खाता। लास्ट घर में जिधर जाता है ना, अभी देखो सभी पहचान वाले, अब जिसके यहाँ नहीं जाओ ना वो बुरा मान जाते हैं। और ये नियाज है, इसको पीठ भी नहीं दिखा सकते, भले ही से दो लुकमा खाना जाना चाहिए, लेकिन जाना चाहिए, ऐसा हिसाब है, भर भर के नहीं खाते हैं, इसको एक आधा पूरी लेके खा लेना चाहिए, क्योंकि नियाज है, इसको पीठ नहीं दिखाई जाती। तो क्या करता, पहले चना किधर जा, चना बना ना वहां थोड़ा सा लास्ट में जाएंगे, मीठा मीठा खा के लास्ट में मुझे तीखा चाहिए। आजकल तो ऐसा है ना के पूछने की जरूरत नहीं पड़ रही, माशाल्लाह अभी तो जहाँ पे जाते चना अपने आप मिल जाता, बोले रियाज भाई पहले चना ले लो। तो पैर चना, तो अभी आप मुझे माफ करो, मैंने चना नहीं, मैंने दोबारा से आप गया। पैसा दे रही हूँ, आना पड़ेगा। काम पूरा नहीं होएगा, पैसा कट, क्योंकि मैं घर से लेके आऊंगा साथ में चना। चलो ठीक है, अब तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, ये खीर और टिक्की की रेसिपी पसंद आई होगी तो हमारी वीडियो को लाइक कर दो, जो हमारे चैनल पे नया है जिन्होंने अभी तक के सब्सक्राइब ही नहीं किया तो गाइस कब करोगे सब्सक्राइब, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, और इस वीडियो को अभी सीजन चल रहा है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लोग तक पहुंचाओ, ध्यान देना जेब में चने लेके आने वाला है, जिस किसी के भी घर से दावत आने वाली है ना गुंडे की नियाज की, पहले ही ये वीडियो भेज दो भाई, ये टिकिया जरूर बनाना, तो शायद बना ले आपके नसीब में मिल जाए खाने आपको, है ना। बहुत से लोग, हाँ बहुत से लोग बनाते हैं, ये भी बनाते हैं, कोई करंजी भी बनाते हैं, और बहुत से अलग अलग किस्म के करंजी भी बनती है। ठीक है, तो चलते हैं, जाने से पहले मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करो, इंस्टाग्राम की आईडी है स्ट्रीट फूड जायका, मैंने मेरे कमेंट बॉक्स में उसको पिन कर दिया, तो उसको ओपन करो और फॉलो करो, चलते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ, तब तक के अल्लाह हाफिज़, बाय, दुआओं में याद रखना, अपना ख्याल रखना।